बोल तोल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, कैस्टर में पिछले दो दिनों में काफी गिरावट आई है और क्या लगता है कि अब एक ट्रेडर को क्या रणनीति अपनानी चाहिए अगले कारोबार के लिए? नमस्कार कमल जी, बिल्कुल जैसा कि हमने पहले भी कैस्टर सीट के ऊपर कई बार चर्चा की और मैंने बोला भी था कि 6000 के आसपास का जो लेवल है वो अहम होगा और उसके आसपास अगर भाव आए तो यहाँ पे मुनाफा वसूली का नजरिया रखना चाहिए। और हमने देखा है कि एक बार फिर से जून वायदा जो है लगभग 6000 के स्तरों के आसपास से ही जो है फिर नीचे की तरफ रुख किया है और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे लगभग 200 रुपए की गिरावट जो है देखने को मिली है जी। और आज के सत्र में भी हमने देखा है कि 0.5% से ज्यादा की यहाँ पे गिरावट रही और कीमतें लगभग 5730 के आसपास जो है बंद हुई है। मेरा मानना है कि अभी जिनको भी कैस्टर में खरीदारी करना है तो अभी भी थोड़ा सा रुकना चाहिए क्योंकि जिस तरह से जो प्रेशर बना है वो कहीं ना कहीं वापिस से एक बार इस कमोडिटी को सपोर्ट लेवल के आसपास जो है ला सकता है। तो यहाँ जो सपोर्ट लेवल मैं देख रहा हूँ वो 5590-5600 के स्तरों के आसपास जो है देखने को मिल रहे हैं, तो उस लिहाज से अभी भी यहाँ से लगभग 100-125 रुपए की गिरावट जो है देखने को मिल सकती है जी। तो यहाँ पे अभी वर्तमान स्तरों पर खरीदारी से थोड़ा सा जो है बचना चाहिए जी। और जिन्होंने अपनी ऊपर पोजीशन पहले बेच रखी है यानी उन्हें 100-125 रुपए की और गिरावट आए तो अपने आप का पूरा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जिनका सेलिंग का पोजीशन है उनको 5600 के स्तरों के आसपास जो है अपनी सेलिंग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि पिछले 2-3 बार से देखा है कि 5590-5600 के स्तरों के आसपास से ये कमोडिटी ने सपोर्ट लिया है और वहां से फिर जो है रैली दिखाई है टुवर्ड्स 6000 की तरफ। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि अगर वहां तक की गिरावट आती है तो सेलिंग की पोजीशन वालों को मुनाफा वसूली करके एक बार अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए जी। धन्यवाद मनोज जी।